नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। में यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह से तार तार हो गया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मुजफ्फरनगर और उसके आसपास दो समुदायों में हुआ टकराव। इन दंगों को लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 13 महीने तक चले किसान आंदोलन ने इन दंगों का दर्द कम कर दिया था। किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए, लेकिन जब भी चुनाव आता है बीजेपी की तरफ से दंगों की याद दिलाना शुरू कर दिया जाता है। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही दंगों के जख्म कुरेदने की कोशिश शुरू हो गई है और इस बार ये मुद्दा उठाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कहा है कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। वोट देने में गलती हुई तो वही दंगे करवाने वाले फिर से लखनऊ में बैठ जाएंगे। अमित शाह ने दंगों के सहारे अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा है, हार के डर से बीजेपी अब नकारात्मक राजनीति कर रही है। हम लोग भाईचारे की राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी भाईचारा तोड़ने की बात कर रही है।